अरे पागल क्या लगा वास्तव पागल तो है इसने बदतमीजी कर रहा है उसके मार भी ला दे कोई ऊपर हाथ दे रहा अभी अड्डा बना हुआ है। उन्नाव जिलाधिकारी ऑफिस में उस समय हंगामा मच गया जब दो कर्मचारियों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। ये मारपीट कलेक्ट्रेट में तैनात एक महिला कर्मी और कौशल विकास की मैनेजर के बीच हुई। इस दौरान वहां पर पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे लेकिन दोनों के बीच हुई मारपीट को रोकने में नाकाम रहे। वहीं महिला का आरोप है कि मैनेजर ने उसके साथ छेड़छाड़ की है जबकि युवक का कुछ और ही कहना है। वास्तव पागल तो है इसने बदतमीजी कर रहा है उसके मार भी ला दे कोई ऊपर हाथ दे रहा अभी अड्डा बना हुआ है। आइए सुनते हैं इस मारपीट को लेकर दोनों का क्या कहना है। ये हुआ है हमारी अभी कुछ महीने पहले से हमारे एक दोस्त अच्छा वो मैं आपको सारा व्हाट्सएप पे अभी मेरा स्क्रीन उन्होंने फोड़ दिया उठा के कर दिया मैं सारा कुछ आपको एक एक व्हाट्सएप पे एक एक चीज अगर कुछ जाएगा बात तो मैं फोड़ कर देता कि क्या क्या हमारी बात नहीं आज क्या हुआ आज क्या हुआ ये हम यहाँ कलेक्ट्रेट गेस्ट हाउस में रहते थे हम और विजय जी हैं नाइसी के दोनों लोग रहते थे तो अब हम अभी ऑफिस गए थे मतलब इन्हीं के ऑफिस में बैठे थे तो ये हुआ कि भूख लगी तो क्या हुआ कि करे खाना बनाया गया हमने कहा दाल चावल बनना है तो वही दाल मतलब खाना ही नहीं खाई है फिर हुआ क्या है कि ये दिन रात किसी से इधर उधर चटी आती है दिन रात इनकी चैटिंग चलती है हमेशा चैटिंग चलती है तो वही हमको शक था तो हमने इनसे पूछा हमका फ़ोन दिखाओ अपना ये हमको फ़ोन नहीं दिखा रही है हमने आज तक अपने पति को फ़ोन नहीं दिखाया तुमको कैसे दिखा सकते हैं हमका तो क्यों हमारे साथ खेल रही है कोई चीज़ है क्लियर बताओ ये सारा चीज़ है हमारे पास तब से आप लोगों की बातचीत हमारी करीब वही 1.5-2 महीना वही सुनिए वही मैं होली में गया था तो इनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया तो हमने एक्सेप्ट किया तो उन्होंने हाय हेलो भेजा उसी से बातचीत कर आज किस बात को लेकर बात निकली बस इसी बात को लेकर माने का क्या दिखा दो माने का फोन दिखा दो तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं फोन हम नहीं दिखाएंगे हमने आज तक पति नहीं दिखा ये है वो है तो हमने कहा फोन दिखाओ तो हमने जब उनसे मांगा हमने कहा क्यों खेल लो भाई अगर आप दिन में आए लगे 10 बार लिख रही हो वो चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको तो आप ये फिर कह दो कि नहीं हम आपसे सिर्फ संबंध रखना चाहते हैं हम प्यार नहीं करते बस यही बात थी सेम टू सेम यही बात थी अभी ये बता रहे हैं कि लगातार 1-1.5 महीने से आपके पास इन्होंने मुझे पहले बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया था फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं यार ऑफिस में होंगे शायद मुझे ज़्यादा इनके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी। न्यूज़ डेस्क।